क्या दाखला अभी ना भेजूं? मगर क्यों, आपने तो मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दी थी, मेरी किताबें भी खुद मंगवा के दी थी, तो अचानक क्यों? मेरा मतलब है कि असल में अम्मा का मानना है कि शुरू शुरू में तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। तालीम का क्या है, आगे चल के होती रहेगी। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा, तुमने बताया था कि तुम्हारी भाभी आई थी तुमसे मिलने, अम्मा से उनकी मुलाकात हुई थी क्या? जी, मैं तो ज्यादातर बावर्ची खाने में मसरूफ थी, वो अम्मा के पास ही बैठी थी, मुझे तो उनसे ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। अच्छा, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही। तुम परेशान नहीं हो, मैं दोबारा मौका मिलते ही अम्मा से बात करूंगा, और मैं जानता हूं उनके दिल को, मुझे यकीन है मैं उन्हें मनवा लूंगा। तुम बस कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अम्मा के साथ गुजारो और उनका दिल जीतो, बाकी सब संभाल लूंगा मैं। ठीक है, अम्मा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे यकीन। अच्छा, तो तुम इस वजह से परेशान हो? फिक्र मत करो यार, ऐसी धमकियां वो रोजाना अपने माँ बाप को देती है, उसकी धमकियों में अगर कोई दम होता ना तो अब तक उस तानी जी उसका बंदोबस्त कर चुकी होती। पता नहीं, मुझे लगता है ये रिश्ते का नाम सुनकर हंगामा करेगी। बाकी लड़कियों की तरह डब्बू और डरपोक नहीं है, गुस्से में कुछ कर गुजरेगी। इसीलिए तो उस्तानी जी उसका रिश्ता जल्द से जल्द कराना चाहती हैं। माँ है ना, उसकी नफसियाती उलझनों को समझती हैं। शायद ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है जल्दबाजी हो रही है इस मामले में। और हम कर भी कह सकते हैं, वैसे भी इस माशरे में औरत का बहादुर या मुख्तलिफ होना उसकी खूबी नहीं, खामी समझा जाता है। माशरे के ठेकेदार ऐसी औरतों को आमतौर पर अजीब व गरीब अलकाबात से नवाजते हैं, और कुछ ना बन पाए तो आवारा और बच्चलन का ठप्पा लगा देते हैं। दिल की मर्जी पर चलने वाले सब आवारा और बच्चलन होते हैं। नहीं, मर्द अगर दिल की मर्जी पे चले तो उसे रोमांस शुमार किया जाता है, औरत की बात और है। उसका तो फूलों, सितारों और बारिश के लिए भी लगाव हो तो उसके किरदार के हवाले से कई सवालात खड़े हो जाते हैं। बबली का मसला थोड़ा अलग है ना, औरतों वाली खसूसियात उसे छूकर भी नहीं गुजरी, वो तो मर्दों की तरह करख नजर से इस दुनिया को परखती और देखती है। यही बात तो ज्यादा खतरनाक है, अंदर से चाहे बबली पूरी मर्द ही क्यों ना हो, पर बाहर की दुनिया में फिरने वाले ये गिदनुमा मर्द तो उसे एक नाजुक लड़की की तरह ही देखते और परखते हैं ना। बबली के लिए बेहतर यही है कि वो किसी पढ़े लिखे और सुलझे मर्द के पल्ले बांध दी जाए, जो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर की औरत को जगा दे। अपना मुझे डर है कि बबली का अंजाम बहुत अलमनाक होगा। तुम्हें लगता है कि बबली को एक समझदार पढ़ा लिखा मर्द मिलेगा जो उसकी उलझनों को समझे और फिर भी निभा करे और उसकी शख्सियत को मुकम्मल करे? ऐसा वही मर्द कर सकता है जो अंदर से बहुत ज्यादा हसास हो और औरत की फितरत को समझता हो। ऐसा एक मर्द तो अभी मेरे सामने बैठा हुआ।